जजर नेशनल पार्क 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मेनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो स्टेट बर्ड है राजस्थान का, उसके लिए जाना जाता है। एनपी का मोटिव है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी बचाए और लोगों के साथ से बचाए। विदेशियों के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट है क्या यहाँ पे? मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरी हॉबी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अब अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स वॉक इन टू द वाइल्ड। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने सेकेंड एंड लास्ट सफारी पे डेजर्ट नेशनल पार्क में, जहाँ मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की खोज में आया था। कल की सफारी में मुझे GIB की बस एक झलक दिखी और आज कोशिश होगी कि इस इंडेंजर्ड बर्ड को मैं पास से देख पाऊँ। अभी मैं हूँ जैसलमेर के एक छोटे से गांव सम में, जो अपने सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, और यहीं पे है डेजर्ट नेशनल पार्क, जहाँ 150 से भी कम बचे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। मेरा नाम अलियर रोजानी है, मैं डेजर्ट नेशनल पार्क में एक नेचुरलिस्ट हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से आने वाले लोगों को बर्डिंग करवा रहा हूँ। डेजर्ट नेशनल पार्क 2 सिटीज़ को कवर करता है, मींस 2 सिटीज़ लगती है, जैसलमेर और बाड़मेर। डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मेनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो स्टेट बर्ड है राजस्थान का, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन विंटर माइग्रेटरी और पैसेज माइग्रेशन के काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ आते हैं। रेड हेडेड वल्चर अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क में रेजिडेंट बर्ड है। ये वल्चर रेड हेडेड वल्चर का जुवेनाइल है। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला इजिप्शियन वल्चर है। इजिप्शियन वल्चर। तो ये नेटिव है इंडिया का? हाँ, इजिप्शियन और रेड हेडेड दोनों नेटिव। बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ये बस्टर्ड फैमिली का एक बर्ड है जिसका सालों तक बहुत शिकार किया गया है, इतना कि आज वो विलुप्त होने वाले हैं और इनको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी इनके शिकार पे कोई रोक नहीं है। तो आज फिर से हमें अपने लक को ट्राई करना है और देखना है आज इस बर्ड की कैसी साइटिंग होती है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और सनराइज हो रहा है। यहाँ किसी बर्ड के लिए कोई खास सीजन भी होता है क्या? हाँ, ये विंटर माइग्रेटरी का सीजन है। ट्रम्पेटर फिंच है, क्रीम कलर्ड कॉर्सर है, और डेजर्ट लार्क है, रेड टेल व्हीटियर है, ब्लैक क्राउन स्पैरो लार्क है। ओके, काफी सारे बर्ड्स है जो मेनली यही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन इन सारे बर्ड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेट्स होप इनमें से भी कोई बर्ड दिख जाए। ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहे हैं, ये एक प्रमुख कारणों में से एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विलुप्त होने का। GIB बहुत ऊंचा नहीं उड़ते और उन्हें ये इलेक्ट्रिक वायर्स भी नहीं दिख पाते उड़ते टाइम, तो इनमें टकरा के एंड करंट लगने से इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लोगों में थोड़ा TNP के खिलाफ आक्रोश है कि हमारी जमीनें ले ली या हमको खेती नहीं करने देते या कुछ भी, लेकिन TNP का वो मोटिव नहीं है कि लोगों को यहाँ से भगाए। TNP का मोटिव है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी बचाए और लोगों के साथ से बचाए। अभी धीरे धीरे लोग सपोर्ट करते हैं, पर उतना नहीं कर रहे हैं, उतना गवर्नमेंट भी लोगों के लिए नहीं कर रही। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं है, यहाँ तक ही है। जैसे DNP के 10-11 किलोमीटर के एरिया में ही लाइट है, उसके बाद लाइट्स नहीं है और नेटवर्क नहीं है, तो वो DNP लगाना। अब देखो ये रोड की हालत, ये रोड फर्स्ट में जब बना है 71 में, तब से ही ऐसा है। और उसके बाद ना इस पर रिनोवेट हुआ है, ना कुछ, ना होने देते हैं DNP भी सही है, अगर अच्छा बना दिया तो गाड़ियां भगाएंगे और उससे और बर्ड को नुकसान है, लेकिन
थोड़ा लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ डीएनपी का मतलब है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जीआईबी को बचाने के लिए काम कर रहा है। ये एक टिपिकल ह्यूमन एंड नेचर कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे नेचर एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। डीएनपी ने यहाँ डबल फेंस लगा दिया है जीआईबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई बाहर से ह्यूमन एंड एनिमल का कोई इंटरफेरेंस ना हो और जीआईबी भी इससे बाहर ना जाए और इलेक्ट्रिक वायर्स एंड विंड मील से दूर रहे। सर कुछ दिख रहा है? और जीआईबी की खोज में हमें जो भी बर्ड्स एंड एनिमल्स मिल रहा है हम उनके लिए रुक जाते हैं। अभी ये नील गाय पुराने और नए फेंस के बीच आ गया है। शायद इसको प्रोटेक्टेड एरिया में जाना था, लेकिन नए वाले फेंस की हाइट ज्यादा है इसलिए ये जा नहीं पा रहा है। उसको जगह ही नहीं मिल रही होगी, दोनों तरफ फेंस है। ओ शाबाश। भारत के दूसरे नेशनल पार्क की तरह यहाँ इतने लोग नहीं आते, एटलीस्ट आज तो लग रहा है यहाँ बस हम ही अकेले घूम रहे हैं। मैं कभी अफ्रीका नहीं गया और बस टीवी पे ही देखा है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शायद अफ्रीका की सफारीज भी ऐसी ही होती होगी, बस अफ्रीका में एनिमल्स बहुत हैं। जीआईबी को ढूंढना आसान नहीं है इतने बड़े पार्क में, और ये अगर मिल भी जाए तो बहुत दूर होते हैं और इनको देख पाना भी बहुत टफ होता है। और यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि जीआईबी को ह्यूमन डेवलपमेंट से दूर रखने के लिए ये फेंस कितने इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमें सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन यही सफारी का एक्सपीरियंस होता है कि जब आप अपने टारगेट सब्जेक्ट को भाग्य के भरोसे ढूंढ रहे होते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के सारे एफर्ट्स को प्रेज करना चाहिए, लेकिन यहाँ फॉरनर टूरिस्ट के लिए कुछ अलग ही ट्रीटमेंट दिखे। मेरे कल के और आज के सफारी में मैंने फॉरनर्स को फेंस के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया में वॉक करके जाते देखा, और अभी ये दोनों फेंस के बीच में सफारी कर रहे हैं ताकि पास से फोटो ले सके। ये फॉरनर्स एंड इंडियंस की बात नहीं है, यहाँ इंसान और गोडावन की बात हो रही है और रूल्स सबके लिए इक्वल होने चाहिए। एनीवे, अभी हमें फोन पे पता चला है कि एक स्पॉट पे जीआईबी के साइटिंग के चांसेस हैं और हम बस वहीं भाग रहे हैं। विदेशियों के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट है क्या यहाँ पे? ये देखो, इस भेदभाव को अभी हम इग्नोर करते हैं और जीआईबी को देखने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली ये आज भी बहुत दूर है, बट एटलीस्ट दिख तो रहा है। ये बर्ड 1 मीटर के आसपास होता है, यानी 3.25 फीट से भी ज्यादा लंबा। तो फाइनली जिस बर्ड के लिए मैं यहाँ आया था वो एटलीस्ट मुझे दिख गया, स्पेशली जब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और 150 से भी कम बचे हैं। किसी भी नेशनल पार्क के सफारी में जीप से उतरना अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ अलाउड है क्योंकि यहाँ कोई खतरनाक शिकारी जानवर नहीं है। अब वापस जाने का टाइम आ गया है, देखते हैं वापस जाते जाते हमें क्या दिखता है। धूप तेज हो रही है और इस टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है।
राजस्थान के डेजर्ट में आपको ऐसे जंगली ऊंट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए डीएनपी से विदा लेते हैं, लेकिन मेरी ये राजस्थान की जर्नी अभी ओवर नहीं हुई और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जयपुर के पास एक फेमस जगह है जहां मैं एक स्पेशल बर्ड को देखने जा रहा हूं, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। आई होप आपको ये वाली जर्नी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे बहुत एफर्ट्स लगे। अगर आप ऐसे और इंडियन वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इनकरेज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।